इंडिया बोलेगा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक उपाध्याय। अब तक हमने आपको तमाम परिचर्चाएं सुनाई होंगी, तमाम मुद्दों पे बताया होगा, लेकिन आज हम आपको जौनपुर लोकसभा में अब तक हुए सांसदों के बारे में बताएंगे। 1952 के आम चुनाव से लेके अब तक के जौनपुर लोकसभा में कितने सांसद हुए उनका नाम हम बताएंगे, बारी बारी से क्या क्या कुछ कुछ ट्विस्ट हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें दोस्तों, 1952 का जब पहला चुनाव हुआ आज़ादी के बाद, तो यहाँ पर कांग्रेस ने विजय फतह किया। 1952 में बीरबल सिंह यहाँ से आम चुनाव जीते और यहाँ पे कांग्रेस का विजय पताका लहराया। उसके बाद बीरबल सिंह दोबारा 1957 के आम चुनाव में विजय फतह पाते हैं और जीतते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है स्थिति ये होती है कि जब 1962 का लोकसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है और जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह यहाँ चुनाव जीत के संसद में पहुँचते हैं। फिर एक साल बाद जो है ब्रह्मजीत सिंह की जो है मौत होने पर यहाँ पर एक साल बाद उपचुनाव कराया जाता है, जिसमें 1963 में इस मुद्दे को ध्यान से सुनिएगा, 1963 का ये आम चुनाव इस वजह से भी खास हो जाता है क्योंकि जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यहाँ चुनाव लड़ा था और उन्हें ठाकुर राजे सिंह के सामने हार का सामना देखना पड़ा। और आलम ये रहा कि फिर उसके बाद फिर वो जो है राजनीति से मतलब दोबारा उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला दीनदयाल जी का, फिर उनकी मौत हो गई। तो यह हम बोल सकते हैं कि पंडित दीनदयाल का यह 1963 का चुनाव आखिरी चुनाव रहा। हाँ, फिर राजदेव सिंह जब कांग्रेस के टिकट पे यहाँ 1963 में चुनाव जीतते हैं, विजय हासिल करते हैं, उसके बाद जो है लगातार तीन बार वो चुनाव जीतते हैं। वह 1963 के बाद 1967 में 1971 में पुनः लोकसभा जीत के जाते हैं। फिर जब 1977 का आम चुनाव होता है यहाँ पे जौनपुर के राजा यादवेंद्र दत्त दुबे चुनाव जीतते हैं। वह भारतीय लोकदल के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत मिली और 1980 में अजीजुल्ला आजमी वो जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पे यहाँ चुनाव लड़े और उन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद हम जब बात करते हैं 1984 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ भी तमाम पार्टियों ने अपनी अपने प्रत्याशी और उतारे। फिर एक बार फिर जो है यहाँ पर कमला प्रसाद सिंह को जीत मिली और वह जो है कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुँचे। और दोबारा जो है 1989 में राजा यादवेंद्र दुबे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उनको लड़ाया जाता है, उनके चेहरे पे दाव खेला जाता है और वो उसमें चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। 1989 में राजा यादवेंद्र दुबे जौनपुर के राजा जो रहे उनको भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया और वो चुनाव जीत के संसद पहुँचते हैं। फिर 1991 में लोकसभा के चुनाव में अर्जुन सिंह यादव यह जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और विपक्षियों को मुंह की खानी पड़ती है। 1996 में भारतीय जनता पार्टी के राजकेसर सिंह यहां चुनाव जीतते हैं और लोकसभा पहुंचते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब यहां जौनपुर लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का कई खाता खुलना शुरू होता है। उस समय समाजवादी पार्टी बनने के बाद जो है 1998 में जौनपुर लोकसभा सीट से पहली बार सपा का खाता खुलता है और पारसनाथ यादव लोकसभा पहुंचते हैं। तो पहली बार जौनपुर लोकसभा सीट से सपा का खाता खुलता है और पारसनाथ यादव यहां से संसद पहुंचते हैं। इसके बाद फिर 1999 में जब चुनाव होता है, वाजपेयी जी की सरकार बनती है, उस सरकार से पहले 1999 का जब यहाँ चुनाव होता है तो बीजेपी के टिकट पे स्वामी चिन्मयानंद को लड़ाया जाता है और वो भारी मतों से जीत हासिल करते हुए जो है संसद पहुँचते हैं और उनको केंद्र में
गृह राज्य मंत्री का दर्जा गृह राज्य मंत्री बनाया गया, जिससे जनपद जौनपुर का नाम सम्मान दोनों में बढ़ोतरी हुई और विकास कार्य में भी बढ़ोतरी समय समय पे देखने को मिला। और स्थिति ये हुई कि 1999 में वह जब जीत के जाते हैं, फिर 2004 में जो है पुनः जो है यहाँ पे जब चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, तो उसमें पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी से एक बार फिर पुनः जीत के लोकसभा पहुँचते हैं। 2004 और 2009 का चुनाव में पुनः पारसनाथ यादव और धनंजय सिंह बीजेपी के टिकट पे भी प्रत्याशी खड़े हुए, लेकिन जो है उसमें जीत जो है बहुजन समाजवादी पार्टी। पहली बार जौनपुर लोकसभा सीट पर बसपा का खाता 2009 में खुलता है, जिसपे बाहुबली सांसद धनंजय सिंह चुनाव जीत कर पार्लियामेंट पहुंचते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बसपा पार्टी का जौनपुर लोकसभा सीट पर 2009 में खाता खुलता है, और वो उनके सांसद के रूप में धनंजय सिंह, बाहुबली सांसद जौनपुर के बोले जाते हैं, वो लोकसभा में पहुंचते हैं। फिर 2014 का आम चुनाव आता है, जिसमें सपा प्रत्याशी के तौर पे पारसनाथ यादव होते हैं, बसपा के से जो है सुभाष पांडे को प्रत्याशी बनाया जाता है, फिर भाजपा से डॉक्टर केपी सिंह को टिकट दिया जाता है। डॉक्टर केपी सिंह उमानाथ सिंह पूर्व मंत्री के पुत्र हैं, और इनके पास राजनीतिक विरासत हुआ करती है। और कांग्रेस से बॉलीवुड के स्टार रवि किशन, जिनको जो है कांग्रेस पार्टी ने राहुल और प्रियंका के कहीं ना कहीं कहने पर जो है इनको मैदान में उतारा था कांग्रेस पर। एक बार ऐसा लगा कि रवि किशन के आने से जो जौनपुर लोकसभा सीट उसके खातिम हो सकती, लेकिन मोदी लहर के आगे यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और भाजपा के पी सिंह ने बड़ी बढ़त के साथ जो है यहाँ से चुनाव जो जीत कर फतह हासिल किया। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि अब तक के 2014 के तक के जो जो आंकड़े हम लोगों ने देखे कि कौन कौन से सांसद किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा चुनाव जीत कर जो है लोकसभा पहुँचे, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही। यहाँ से सबसे अधिक प्रत्याशी कई बार में सबसे अधिक की बात की तो कांग्रेस पहुंची, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद अन्य अन्य संगठन है जिसमें सपा बसपा जनता दल और जो है तमाम मतलब जनसंघ तमाम पार्टियां और उनके जो है प्रतिनिधि जो है लोकसभा में समय समय पहुंचते रहे। अब हम बात करते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव जो हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पे अभी तक जो है महागठबंधन में जिस प्रकार से स्थिति परिस्थितियां शुरू हो गई हैं, जौनपुर में जौनपुर लोकसभा सीट पर महागठबंधन की सीट बसपा के खाते में आई है। ऐसे में प्रत्याशी की तलाश तेज कर दी गई है। कौन होगा प्रत्याशी? पिछले बार जौनपुर लोकसभा पे प्रत्याशी थे सुभाष पांडे, वो पूर्व मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी तो उनको संस्कृति मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट स्तर के उनको मंत्री बनाया गया था, और उसके बाद उनको 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। 2012 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, और फिर उसके बाद 2017 का भी विधानसभा चुनाव नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नामों की सुगाहट चल रही है कि वह बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। अब देखना यह है कि पार्टी द्वारा किसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में भी अभी भी जो है यादव तो अब तक जो वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर केपी सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं, या कोई नए चेहरे की तलाश हो सकती है। अभी यह तो पार्टी के आला कमान को तय करना है कि वो नए चेहरों पे की तलाश करती है या फिर वर्तमान सांसद पे ही दाव खेलना चाहती है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आज के समय में प्रत्याशी खोजे नहीं मिल रहे हैं। वजह है कि खुद प्रत्याशी तो आवेदन बहुत से कर रहे हैं, लेकिन वो जो दमदार चेहरे की बात जो की जा रही है वो तय जो है कांग्रेस पार्टी के पास इधर हाल फिलहाल दिखाई नहीं पड़ा। नदीम जावेद एक जो है सदर से पूर्व विधायक रहे जो है वो
या तो पार्टी उनके ऊपर दाव खेले या तो कोई और चेहरा दमदार हो, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नदीम जावेद के बारे में आपको बताया गया है कि वो जो है नदीम जावेद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया, फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, फिर उसके बाद जो है आज के समय में उनको अल्पसंख्यक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में दमदार चेहरे के तौर पे कांग्रेस के पास एक ही विकल्प दिखाई पड़ रहा है। अन्य विकल्प वो क्या होंगे वो तो पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। कुल मिला के जो है आज के जौनपुर लोकसभा की समीक्षा यही रही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube पे जाके सर्च में इंडिया बोलेगा टाइप करें और चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।